पुराने ज़माने की बात है, एक ताजर तिजारत के घर से बगदाद पहुंचा। पिछले वक्तों में तिजारत का ये कानून था कि ताजर जिस मुल्क में तिजारत करने जाता, सबसे पहले वहां के बादशाह से मुलाकात करता, अपना सारा सामान तिजारत दिखाता और उसकी खूबियों और इनफरादियत से आगाह करता था। चुनांचे उस ताजर को भी बगदाद पहुँचने के बाद बादशाह के दरबार में पेश कर दिया गया। ताजर ने हुजूर के यहाँ तहफ़ पेश किए, फिर माल तिजारत निकाला और एक एक चीज़ की खूबी बयान करते हुए दिखाने लगा। हुजूर, ये पानी से चलने वाली घड़ी है जो मैंने यूनान से ख़रीदी है, ये कालीन है जो मैंने ईरान से ख़रीदा है, और ये खालिस रेशम के तार से बना है, ये कलम मुलाहजा फरमाइए जो मैंने जापान से बहुत महंगे दामों ख़रीदा है। ताजर ने एक एक माल की अहमियत बयान की और शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, तमाम चीज़ें बहुत उम्दा नायाब हैं जो तुमने ईरान, यूनान और जापान से ख़रीदी हैं, लेकिन यह तो बताओ कि तुम्हें हिंदुस्तान में हमारे शायान शान कोई चीज़ नज़र आई। ताजर ने बादशाह को मुतासर करने के लिए कहा, यूँ तो बच्चा सलामत आपके शायान शान बहुत चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मुझे पसंद आई उसको हासिल करने के लिए मुझे कुछ अरसा वहाँ क़याम करना पड़ता, जबकि मेरे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था। शाह ने पूछा, अच्छा वो क्या चीज़ थी? ताजर बोला, जनाब वो एक मोती है और उसकी ख़ास बात यह है कि वो दूसरे को बांटने से बढ़ता है, उसको कोई चुरा भी नहीं सकता और उस मोती से बहुत सारे जेवर भी बनाकर पहने जा सकते हैं। शाह बहुत मुतासर हुआ और कहने लगा, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। उसने फौरन अपने एक ख़ास वज़ीर को मां समानो सवारी इस हिदायत के साथ रुख्सत किया कि अब वो मोती लेकर ही लौटे। वज़ीर अपने मकसद के लिए निकल पड़ा, जंगलों, समंदरों, पहाड़ों और सहराओं गर्ज़िए कि हर जगह की खाक छान मारी, वादी वादी घूमा, हर शख्स से उस नादर व नायाब मोती का पूछा, मगर सब ने यही कहा कि ऐसा कोई मोती नहीं है जो चोरी ना हो सके और उससे बहुत सारे जेवर बन जाए। लोग उसकी बात सुनकर हंसते और कहते, मुसाफिर पागल हो गया है। यूं ही महीनों बीत गए, ना उम्मीदी के साए गहरे होने लगे, लेकिन बादशाह के सामने नाकाम लौटने का खौफ उसको चैन नहीं लेने दे रहा था। वज़ीर ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि ऐसा मोती मिल जाए, लेकिन यह ना मिला, सो उसने वापसी का इरादा कर लिया। वज़ीर अपनी नाकामी पर ज़ारो कतार रोता हुआ जंगल से गुजर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वज़ीर बहुत थक भी गया था। एक दरख्त के पास आराम के इरादे से लेटा ही था कि उसी लम्हे एक रोशनी अपनी जानब बढ़ती हुई नज़र आई। पहले तो वज़ीर डर गया, मगर फिर एक आवाज़ ने उसको हौसला दिया, अरे नौजवान डरो मत, मैं अच्छी परी हूँ, बता तेरे साथ क्या मसला है? तू मुद्दतों का थका हुआ मुसाफिर मालूम होता है, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? वज़ीर ने अपनी दास्तान कह सुनाई कि उसे जिस मोती की तलाश थी वो कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी वज़ीर के सामने आ चुकी थी और वह वज़ीर की बात सुनकर बेसख्ता हंसने लगी, फिर बोली, अफसोस कि तूने अक़ल से काम ना लिया और महज एक मोती की तलाश में महीनों मारा मारा फिरता रहा। वज़ीर बोला, अच्छी परी मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। वो बोली, भले आदमी, वो मोती दरअसल इल्म का मोती है, लेकिन तू उसकी ज़ाहरी शक्ल को तलाश करता रहा। इल्म तो एक ऐसे शय है जिसे हज़ारों नाम दिए जा सकते हैं, कहीं इसे फलदार दरख्त कहते हैं, कभी सूरज से तशबीह देते हैं और इसे समंदर भी कहा जाता है, लेकिन उसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन इससे जेवर बनाने वाली सिफत? वज़ीर ने हैरत से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, इल्म की बहुत सारी सफात हैं, तुम इस मोती की सूरत को क्यों तलाश करते हो? याद रखो, हर शे की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं बल्कि उसके अंदरूनी खूबियों से होता है। उसी तरह इल्म भी एक नायाब मोती है कि जिससे ये हासिल हो जाए वो इससे ऐसे ही सज जाता है जैसे इंसान जेवर पहनकर सजता है, और उसे कोई चुरा नहीं सकता, बल्कि ये तो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। वज़ीर बड़े गौर से परी की बात सुन रहा था और बिलाआखिर इस बात का कायल हो गया कि वाकई इल्म एक ऐसा मोती है कि जिसके पास हो वो दरअसल दुनिया के सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। वज़ीर ने परी का शुक्र अदा किया, जिसके बाद अच्छी परी वहाँ से गायब हो गई। अब वज़ीर बहुत खुश था और अपनी कामयाबी के गीत गाता हुआ अपने मुल्क रवाना हो गया। वहाँ पहुँच कर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में बताया और समझाया।
तो बादशाह भी परी की बात का कायल हो गया कि सिर्फ इल्म ही वो मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। प्यारे साथियों, इल्म एक ऐसा मोती है जिसकी चमक दमक ज़मीन से आसमान, फर्श से अर्श तक है, और इल्म के इस मोती की रोशनी में ही इंसान इस कायनात के खालिक व मालिक तक रसाई हासिल कर सकता है।